हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति रावत। आज मैं बना के तैयार करूंगी लेफ्ट ओवर राइस से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बचे हुए चावल की ये रेसिपी आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। आज मैं ये रेसिपी बहुत ही यूनिक तरीके से बना के तैयार करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बचे हुए चावल के अप्पे बनाना। अप्पे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 1.5 कप के लगभग बचे हुए चावल। आप चाहें तो ताजे चावल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 1 कप के लगभग सूजी, जिसे मैंने थोड़े से दही में सोख करके रख दिया था, जिससे अच्छे से फूल जाए हमारी सूजी। यहाँ मैं बचे हुए चावल में 4 से 5 चम्मच दही डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। एक बोल में इसको निकाल लेंगे और जो हमने सूजी सोख करके रखी थी दही में, इसको भी हम अपने चावल के मिश्रण के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कुछ हरी सब्जियाँ ली हैं। इसमें मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, हरी धनिया, प्याज, हरी मिर्च और गाजर, इन सब का यूज किया है। आपको जो सब्जियाँ ईजिली मिल जाएँ आप वो सब्जियाँ ले सकते हैं। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। सारी सब्जियों को मैं एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और आपको जो भी सब्जियां पसंद हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो सब्जियां इसमें से ना पसंद हो वो हटा भी सकते हैं, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों का टेस्ट हमारे अप्पे में बहुत ही बढ़िया आता है, इसको आप ज़रूर डालें। सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है मैंने। यहाँ मैंने कुछ हरी मटर का यूज किया है। आपको अगर मिल जाए तो इसको भी आप ज़रूर ऐड कीजिए। वैसे तो सर्दियाँ आ रही हैं, सारी सब्जियाँ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है यहाँ मैंने। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स का यूज किया है। आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट भी हमारे अप्पे में बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो कुछ मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही रखा है, मुझे ऐसे ही बहुत पसंद आता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस पे अप्पे पैन गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अप्पे पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया है। आप चाहें तो बटर से भी बना सकते हैं या फिर ऑयल का यूज भी आप कर सकते हैं। घी और बटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सब जगह से, जिससे हमारे अप्पे फ्राई करते समय चिपकेंगे नहीं। यहाँ तड़के के लिए मैंने तेल ले लिया है, सफ़ेद तेल, राई और कड़ी पत्ता। इससे भी हमारे अप्पे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी राई और तिल इसमें हम डालते जाएंगे घी में। जैसे ही ये चटकने लगे इसमें हम कड़ी पत्ता तोड़ के डाल देंगे। कड़ी पत्ता का भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको हम फिल करते जाएंगे। अपने अप्पे के सांचे में हम अच्छे से मिक्सचर को सब जगह फिल कर लेंगे। थोड़ी सा मैं ज़्यादा भर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्राई होते होते थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। सारे सांचों को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें घी ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके पकने दूंगी धीमी आंच पे। इसकी फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी। एक साइड से अप्पे अच्छे से पक जाए इसके बाद हमें इसको पलट देना है। इसको हमें अच्छे से पलटते जाना है। सारे अप्पों को हमें पलट लेना है और दूसरी साइड भी हमें इसको सिकने देना है। बहुत अच्छे से इजीली ये आराम से ही पलट जाते हैं। चिपकते बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी यूज किया है तो ये इजीली पलट जाते हैं। सारे अप्पों को मैंने पलट लिया है। अब ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए दूसरी साइड भी हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे।
5 से 7 मिनट बाद हम चेक करेंगे। थोड़ा सा घी स्प्रेड और कर देंगे, हल्का सा घी और बटर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर इसको और पकने दूंगी धीमी आंच पे। इसकी आंच हमें तेज नहीं करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमें पकने देना है। सारी अप्पे अच्छे से पक चुके हैं, 1-2 मिनट के लिए इसको और अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमें इसको अंदर तक अच्छे से पकने देना है। अगर हम इसको जल्दी तेज आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इसको अच्छे तसल्ली से पकने देना है। जितने अच्छे से ये पकेंगे अंदर तक, उतना ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चारों तरफ से पलट पलट के, जब तक हमें लगे नहीं कि अच्छे से पक गए हैं, तब तक धीमी आंच पे हमें इसको पकने देना है। इसकी आंच हमें मीडियम ही रखनी है। सारे अप्पे को मैंने अच्छे से पलट दिया है, 1-2 मिनट के लिए और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अप्पे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अभी पक के पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अप्पे को मैंने अच्छे से सर्व कर लिया है, बचे हुए चावल से अप्पे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए कितने अच्छे अंदर तक एकदम पक के रेडी हो गए हैं। इसमें खूब सारी सब्जियाँ भी हमने डाली हैं, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी तो है ही। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, मीठे, जैसे आपको पसंद हो वैसे इसको खा सकते हैं। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।